हेलो स्टूडेंट, ये क्लास डीआरटी फर्स्ट ईयर के लिए, जिसमें अपना सब्जेक्ट है डार्क रूम। अपना टॉपिक चल रहा था लेआउट ऑफ डार्क रूम, डार्क रूम के बारे में। तो अब आगे अपने इसको कंटिन्यू करते हैं, एक बार देख लेते हैं कि डार्क रूम क्या होता है। डार्क रूम क्या होता है? एक फिल्म प्रोसेसिंग रूम होता है। ये इसका आपको डायग्राम दिखाया गया है, जिसमें ये क्या है, एंट्रेंस है, ये पास बॉक्स लगा हुआ है, ड्राई ड्राई रैंक हो गई, ये डेवलपिंग एंड वॉशिंग टैंक, और ये ड्राई बेंच, कैसेट हैंड और फिल्म हैंगर्स। ये अपना क्या है, डायग्राम दिखाया गया है डार्क रूम का। तो डार्क रूम मैंने आपको बताया क्या होता है, एक फिल्म प्रोसेसिंग रूम होता है। ये कहाँ पे एडजस्ट होता है, एक्स रूम के बिल्कुल पास में। और उसका लगभग स्पेस कितना होता है डार्क रूम का, 10 × 10 × 10 क्यूबिक फीट। और जो डार्क रूम की वॉल्स है वो क्या होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो अपने क्या है, एक्सरेज अपने बिल्कुल एक्स रूम के पास में है, अपने एक्सरे करेंगे तो एक्सरे क्या है, डार्क रूम तक नहीं पहुंचनी चाहिए, इसलिए उसकी दीवारें मोटी होती है, ताकि एक्सरेज जब वो पास होके अंदर फिल्मों को एक्सपोज ना करे। इसके अंदर क्या है, अपने खिड़की नहीं रखते हैं, क्या लगाते हैं, एसी। और अपने क्या करते हैं कि अपने को कैसे पता लगेगा कि डार्क रूम के अंदर वर्क प्रोसेसिंग में काम चल रहा है, तो उसके लिए अपने क्या है, गेट पे रेड लाइट यूज करते हैं। रेड लाइट लगी हुई, उसका मतलब क्या है कि हम डार्क रूम के अंदर वर्क प्रोसेसिंग पे है, फिल्म डेवलप हो रही है, वास हो रही है, जो भी प्रोसेस हो रहा है। जब अपना प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो अपने क्या करते हैं, जैसे डोर ओपन करते हैं लाइट ग्रीन हो जाती है। इससे अपने को पता लग जाता है लाइट से, अगर लाइट रेड है तो क्या होता है, अंदर कोई रेडियोग्राफर वर्क कर रहा है, और लाइट ग्रीन है तो मतलब अंदर कुछ भी नहीं है, अपने अंदर जा सकते हैं। और इसकी जो एंट्रेंस होती है डार्क रूम की, वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा लाइट टाइट होती है, क्योंकि इसके अंदर लाइट्स नहीं जानी चाहिए, इसके अंदर एक्सरेज नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या, अपनी अनएक्सपोज्ड फिल्म, एक्सपोज फिल्म वो सारी इसके अंदर रहती है, तो वो एक्सपोज नहीं होनी चाहिए। और इसमें जितने भी सारे अपने एक्स रूम में, डार्क रूम में इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, को जो सारे बिजली पे काम आने, वो सारे क्या होते हैं, अर्थिंग किए हुए होते हैं, कि बाय चांस कुछ भी हो तो अर्थिंग हो जाए। अगर आप, अब आपने कल पिछली क्लास में क्या है, डोर्स की एंट्रेंस के बारे में पढ़ लिया था, आज अपने इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आज अपने पढ़ेंगे वॉल्स ऑफ द डार्क रूम, डार्क रूम की वॉल्स के बारे में। द वॉल्स ऑफ द डार्क रूम मस्ट बी थिक इनफ टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट रेडिएशन। डार्क रूम की वॉल्स क्या है, इतनी ज़्यादा थिक होनी चाहिए, इनफ होना चाहिए कि उसकी रेडिएशन से प्रोटेक्शन डार्क रूम की हो सके। द इनसाइड वॉल्स ऑफ द डार्क रूम लाइट कलर्ड, दिस इज फॉर फिजियोलॉजिकल पर्पज, बिकॉज ब्लैक कलर इज वेरी डिप्रेसिंग। डार्क रूम के अंदर कौन सा कलर होता है, लाइट कलर्ड किया होता है, क्योंकि ये एक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है कि ब्लैक कलर होगा तो क्या है, अंदर डिप्रेसिंग साउंड लग जाएगा, अपने को डिप्रेसिंग फील होता है, इसलिए अपने ब्लैक कलर नहीं करते हैं, कौन सा, कोई हल्का लाइट कलर करते हैं। आल्सो ब्लैक कलर इंड्यूस्ड फीलिंग ऑन नो स्पेस विच कॉज अनप्लेस्ड इंप्रेशंस। इसके बीच में क्या है, कलर्स जो अपने किया हुआ, तो इसके बीच में कोई भी जो ब्लैक कलर होता है वो क्या है, इसका सही इंप्रेशंस नहीं रहता है,
उसको अपने अच्छी तरह अंदर सेफ लाइट में अपने उसको नहीं देख पाएंगे इंस्ट्रूमेंट्स को। तो जो लाइट हल्का कलर होता है तो इसके अंदर क्या हल्की लाइट यूज होती है, तो वो क्या अपने को आसानी से दिखाई दे जाता है। एक ग्लोसी क्रीम और वाइट पेंट आल्सो सर्व फॉर दिस पर्पज। इसमें क्या एक ग्लोसी क्रीम आती है वो, या वाइट पेंट अपने कर सकते हैं अपने पर्पज के लिए, यानी जो अपने को डिप्रेशन फील होता है ब्लैक कलर के लिए। या अपने क्या हल्की लाइट होती है डार्क रूम में, क्योंकि ज़्यादा लाइट होने से फिल्म एक्सपोज हो जाती है, वो हल्की लाइट अपने को क्या ब्लैक कलर उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने को कुछ भी दिखाई नहीं देगा, इसलिए क्या लाइट कलर उसमें किया जाता है। तो उसमें अपने क्या वाइट पेंट भी सर्व कर सकते हैं। वॉल्स कैन बी क्लीनेड रेगुलरली बिकॉज डस्ट इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ डार्क रूम। वॉल्स क्या हमें रेगुलरली क्लीन करनी पड़ती है, क्योंकि वॉल्स पे क्या धीरे धीरे डस्ट जमने लग जाती है, जो कि डार्क रूम की सबसे बड़ी एनिमी है, सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि जो वॉल्स पे डस्ट वगैरह जमेगी वो डस्ट क्या अपने फिल्म ओपन करते हैं, कैसेट को क्लोज करते हैं, फिल्म निकालते हैं, फिल्म को वापस डालते हैं, उसमें वॉशिंग करते हैं, डेवलपिंग करते हैं, तो उस टाइम क्या है अगर बाई चांस थोड़ी सी भी डस्ट अपनी एक्सरे फिल्म पे गिर गई तो वो क्या है वहाँ पे निशान रह जाएगा। इसलिए अपने क्या बिल्कुल उसको रेगुलरली क्लीन करना पड़ता है, ताकि डस्ट बिल्कुल भी ना रहे। नेक्स्ट है अपना फ्लोर ऑफ द डार्क रूम। डार्क रूम के फ्लोर के बारे में बात करते हैं। तो डार्क रूम का फ्लोर आपको देखो कैसे होना चाहिए कि पे अंदर उसके वर्कर जाता है, ठीक है, तो वर्कर सेफ लाइट के यूज में जाएगा, उसमें लाइट्स नहीं होती है, तो नॉन पोर्स होना चाहिए, स्लिपरी नहीं होना चाहिए, बाय चांस उस पर कोई केमिकल गिर जाए तो केमिकल वहाँ पे दाग धब्बे नहीं होने चाहिए, एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए, यानी कपड़े से अपने साफ करें तो साफ हो जाना चाहिए। और उस पर अपने क्या है कोई रबर्स की शीट वगैरह है वो कुछ भी अपने लगा सकते हैं, क्योंकि बाय चांस केमिकल गिर भी गया तो क्या उसको इजीली हटा के दूसरी शीट लगा देंगे। अब अपने इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। द चॉइस ऑफ फ्लोर मटेरियल शुड बी सच दैट इट इज नॉन पोर्स नॉन स्लिपरी और ड्यूरेबल। ये क्या है अपना बिल्कुल भी नॉन पोर्स होना चाहिए, जो अपने कई बार फर्श में क्या है हल्के हल्के पोर्स होते हैं जिनमें क्या केमिकल्स रह जाएगा बाई चांस गिर गया तो, इसलिए नॉन पोर्स से नॉन स्लिपरी और ड्यूरेबल होना चाहिए। इट इज रेजिस्टेंट टू स्टेंस बाई केमिकल और लिक्विड। ये क्या केमिकल और लिक्विड से बिल्कुल रेजिस्टेंस होना चाहिए, यानी उस पे गिरने के बाद केमिकल्स एब्जॉर्ब नहीं होने चाहिए, आसानी से साफ हो जाए, ऐसा पर्स होना चाहिए। सम वेराइटीज ऑफ हार्ड रबर शीट विल आल्सो सर्व द पर्पज बिकॉज वी कैन रिप्लेस इज इजिली। क्या बहुत सारी वेराइटीज के रबर शीट्स आते हैं, उनको क्या अपने वहाँ लगा सकते हैं, किस लिए कि बाई चांस उन पर कोई केमिकल गिर गया या डस्ट आ गई कुछ भी हो जाए तो उस रबर शीट को अपने हटा के दूसरी लगा सकते हैं, या हटा के साफ करके उसको वापस लगा सकते हैं, यानी इजिली रिप्लेस्ड हो जाए। इसके लिए अपने क्या उसमें डार्क रूम में रबर शीट्स भी लगा सकते हैं। अब अपने इसके बाद में बात करते हैं सीलिंग ऑफ द डार्क रूम। डार्क रूम की सीलिंग के बारे में, डार्क रूम की छत के बारे में। द टाइप ऑफ पेंट ऑन द सीलिंग इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट विल प्रोड्यूस्ड फ्लेक्स विच आर लाइकली टू फॉल ऑन द फिल्म और कैसेट। सीलिंग क्या सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इस पे अपने क्या है अच्छा तरह का पेंट करना पड़ता है, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर बाय चांस मानो ऊपर से सीलिंग से कोई भी डस्ट वगैरह गिर गई फ्लेक्स वगैरह हो गया तो क्या है फिल्म पे अपने जैसे ही कुछ गिरा तो फिल्म पे क्या है धब्बे रह जाएंगे, फिल्म पे कैसेट पे जहाँ भी गिरेगा वहाँ धब्बे रह जाएंगे, इसलिए छत बिल्कुल अच्छी तरह होनी चाहिए, उससे सीलिंग्स यानी ऊपर से पपड़ी सी उतर के नीचे
नहीं गिरनी चाहिए, इसलिए उस पे क्या गुड क्वालिटी का रंग वगैरह अपने को करना चाहिए। एक गुड क्वालिटी इमल्सन पेंट इज स्टेटिस्फैक्टरी टू अवॉइड रिस्क ऑन फेलिंग फ्लेक्स। अगर अपने गुड क्वालिटी का इमल्सन पेंट करते हैं तो वो क्या अपने लिए संतोषजनक होता है, अपने ये बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि वो क्या करता है अपने को फिलिंग फ्लेक्स से अवॉइड करता है, बचाता है, जो अपने क्या दाग धब्बे आने की संभावना है, छत से डस्ट वगैरह पपड़ी वगैरह गिरने की जो भी संभावना है उसको बिल्कुल कम कर देता है, तो जिससे क्या फिल्म पे दाग धब्बे नहीं आएंगे। ये अपने क्या लिए क्या बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं सेफ लाइट की। सेफ लाइट देखो नाम से पता चल रहा है क्या है, सेफ लाइट यानी बचत रहने वाली लाइट, जो अपने लिए बहुत बढ़िया होती है, अच्छी होती है। तो डार्क रूम क्या होता है, पूरा एक अंधेरा कमरा होता है, तो उसमें अपने क्या है जो नॉर्मल लाइट है वो यूज में नहीं लेते हैं अपने, उसमें कौन सी लाइट यूज में लेते हैं, सेफ लाइट, जो फिल्म को सेफ रखे, कैसेट्स को सेफ रखे, और जो भी अपना प्रोसीजर हो रहा है वो सेफली हो जाए, उसमें कोई भी दिक्कत ना आए, क्योंकि सेफ लाइट होती है बहुत कम वोट की होती है, जिससे हल्का हल्का लाइट होता है, हल्की हल्की लाइट होगी और उससे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और फिल्म अनएक्सपोज्ड फिल्म और एक्सपोज्ड फिल्म जो भी अपने क्या है इंटरचेंज करते हैं, कैसेट में नई फिल्म डाल रहे हैं या कैसेट से फिल्म निकाल के वॉश कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, तो उस टाइम वो क्या है सेफ लाइट से एक्सपोज्ड नहीं होनी चाहिए, वही है होती है अपनी सेफ लाइट। तो डार्क रूम इज इल्यूमिनेटेड बाई सेफ लाइट। डार्क रूम में क्या होती है, एक सेफ लाइट होती है। सेफ लाइट इज वन विच एक्सरेट्स वेरी लिटिल अफेक्ट ऑन एक्सरे फिल्म। सेफ लाइट क्या बहुत कम न के बराबर एक्सरे फिल्म पे इफेक्ट करती है, सो दैट फिल्म्स कैन बी हैंडलेड विदाउट एनी डैमेज। इसकी क्या बहुत कम लाइट होती है जो कि फिल्म को इफेक्ट नहीं करती है, और इसमें अपने क्या है फिल्म को बिना किसी डैमेज के हैंडल कर सकते हैं, यानी अपने कैसेट से फिल्म निकालते हैं, हैंगर में लगाएंगे, डोलअप में लगाएंगे, वॉश करेंगे, फिर उसको ये सारी प्रोसेस अपनी हो जाएगी विदाउट डैमेजिंग, क्योंकि अपने क्या है सेफ लाइट होती है उसमें अपने को हल्का हल्का दिखाई देगा और फिल्म भी इससे एक्सपोज्ड नहीं होती है। यूजुअली स्पेशल कलर लाइट और लैंप्स आर यूज्ड सच दैट ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड लैंप्स ऑफ लेस देन 25 वोल्ट आर यूज्ड एज सेफ लाइट। इसमें क्या अपने को नॉर्मली अपने क्या स्पेशल कलर्स की लाइट यूज में लेते हैं, जैसे कि ग्रीन, ऑरेंज, येलो और रेड, जो कि 25 वोल्ट से कम की लाइट होनी चाहिए, 25 वोल्ट से ज़्यादा की लाइट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा की लाइट होगी वो क्या होगी फिल्म को एक्सपोज कर सकती है, इसलिए अपने बहुत कम वोल्ट की लाइट यूज में लेते हैं। द वर्किंग डिस्टेंस बिटवीन द सेफ लाइट और टू द फिल्म शुड नॉट लेस देन 1.2 मीटर। जो अपना वर्किंग डिस्टेंस होता है किसके बीच में, सेफ लाइट के और बीच में, सेफ लाइट के और फिल्म के बीच में, यानी कहाँ अपने सेफ लाइट लगी हुई है और कहाँ फिल्म अपने काम कर रहे हैं, जो अपनी टेबल होती है या जहाँ पे अपनी फिल्म रखी हुई होती है उसके बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, 1.2 मीटर से ज़्यादा, उससे कम स्पेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे कम स्पेस होगा तो लाइट क्या बहुत ज़्यादा पास में हो जाएगी, फिल्म को अफेक्ट कर सकती है। इट मे बी रिड्यूस्ड टू 0.6 मीटर इफ 15 वोल्ट लैम्प इज यूज्ड। अगर अपने क्या है 15 वोल्ट का बल्ब यूज में ले रहे हैं, लैम्प यूज में ले रहे हैं, लाइट यूज में ले रहे हैं, तो डिस्टेंस कितनी रहनी चाहिए, 0.6 मीटर, इससे पास में 15 वोल्ट का बल्ब नहीं होना चाहिए, इससे अपने दूर चाहें तो लगा सकते हैं, पर दूर लगाने पे क्या अपने को सेफ लाइट का इतना अफेक्ट नहीं रहेगा, अपने कुछ भी दिखाई नहीं देगा, इसलिए 15 वोल्ट का बल्ब वो अपने कहाँ लगाते हैं,
0.6 मीटर के डिस्टेंस पे, ताकि अपने क्या हल्की हल्की लाइट भी आ जाए, वर्क भी हो जाए अपना विदाउट डैमेजिंग, और फिल्म भी एक्सपोज ना हो। इन दिस केस ऑफ इनडायरेक्ट लाइट्स, बल्ब वोल्टेज ऑफ 60 वोल्ट कैन बी यूज्ड। जब अपने इनडायरेक्ट लाइट यूज में कर रहे हैं, ये डायरेक्ट लाइट कौन सी होगी, अपने जो 15 वोल्ट का बल्ब यूज में लिया था, जिसका लाइट क्या है डायरेक्ट फिल्म की तरफ आ रही है। इनडायरेक्ट लाइट, जिसकी लाइट्स क्या है फिल्म की तरफ डायरेक्ट नहीं आ रही है, दूसरी साइड में जा रही है और वहां से रिफ्लेक्ट होके फिल्म की तरफ आ रही है, तो उस कंडीशन में अपने क्या है 60 वोल्ट का बल्ब यूज में ले सकते हैं। इन दिस मेथड द सेफ लाइट डायरेक्ट द लाइट टूवर्ड्स द सीलिंग विच रिफ्लेक्ट्स इज बैक इन टू द रूम। देखो यहाँ बताया गया है, इस मेथड में जहां पे अपने क्या है डायरेक्ट सेफ लाइट यूज में नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट सेफ लाइट यूज में लेते हैं वहां तो क्या है लाइट्स डायरेक्ट आती है, जहां अपने डायरेक्ट यूज में नहीं ले रहे हैं इस मेथड में, जिसमें अपने ने क्या बताया 60 वोल्टेज बताया है, इसमें लाइट्स क्या सीलिंग की तरफ जाती है और वहां से रिफ्लेक्ट होके रूम में आती है, तो इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, फिल्म एक्सपोज नहीं होती है इससे। देखो अपने वो डायग्राम में दिखाया गया, ये क्या है इनडायरेक्ट सेफ लाइट है। इनडायरेक्ट सेफ लाइट में देखो क्या दिखाया गया है, सेफ लाइट का मुंह कहाँ है ऊपर की तरफ है, और ये क्या है 60 वोल्ट की है, तो ऊपर की तरफ मुंह है तो इसकी जो लाइट है वो क्या है सीलिंग की तरफ जाएगी, वहां से रिफ्लेक्ट होगी और रूम में फैलेगी। ये तो इधर डायग्राम दिखा रहे हैं डायरेक्ट सेफ लाइट, ये डायरेक्ट क्या है अपनी जो वर्किंग बेंच है उस पर डायरेक्ट आती है, इसकी डिस्टेंस क्या है 1.2 मीटर रखी गई है, इसमें अपन ने क्या 25 वोल्ट का बल्ब लगाया है, इसकी डायरेक्ट लाइट आ रही है, जैसे अपने क्या वर्किंग टेबल के जस्ट ऊपर लगी और डायरेक्ट इसकी लाइट वर्किंग टेबल की तरफ आ रही है, तो अपन ने क्या 25 वोल्ट का बल्ब यूज में लिया, उसमें हम डिस्टेंस कितनी रखी है 1.2 मीटर। नेक्स्ट देखो, सेफ लाइट मस्ट बी फिटेड विद प्रॉपर फिल्टर, यूजुअली ए शीट ऑफ जिलेटिन इज ऑफ द सेम कलर इज फिक्स्ड बिटवीन टू शीट ऑफ ग्लास। सेफ लाइट है वो भी क्या है इस प्रकार से फिट होनी चाहिए कि उसके बीच में प्रॉपर फिल्टर लगा हुआ होता है, और फिल्टर कैसे लगाएंगे, एक जिलेटिन की शीट आती है वो क्या सेम कलर की, जो अपन ने लाइट लाई है उसी कलर की जिलेटिन की शीट लेंगे, और जो दो ग्लास होते हैं शीट के ग्लास होते हैं, यानी जस्ट बल्ब के ऊपर अपने जिलेटिन की लाइट लगा देंगे, जिससे क्या है जो लाइट्स आएगी वो भी फिल्टर होके आएगी, डायरेक्ट अपने फिल्म पे आके एक्सपोज नहीं करेगी। द इफेक्टिवनेस ऑफ सेफ लाइट इज टेस्टेड पीरियडिकली टू डू दिस प्लेस ए कॉइन ऑन एन एक्सपोज फिल्म एंड नाउ एक्सपोज द फिल्म अंडर द सेफ लाइट फॉर 1 मिनट, रिपीट दिस प्रोसेस फॉर 2, 3, 4, 5 मिनट एंड प्रोसेस इट। अब अपने क्या है सेफ लाइट की इफेक्टनेस चेक करनी है, यानी कितना उसका अफेक्ट हो रहा है अपने फिल्म पे, ये क्या अपने को पीरियडिकली चेक करना पड़ता है, टाइम टू टाइम चेक करनी होती है, तो ये काम अपने कैसे करते हैं, अपने एक कॉइन लेते हैं और उसको अनएक्सपोज्ड फिल्म पे रखते हैं, रखने के बाद उसको क्या करेंगे अपने सेफ लाइट में एक्सपोज करेंगे, यानी जो अपनी सेफ लाइट है उसके नीचे रख देंगे, देखते हैं कि कितना एक्सपोज होता है, तो उसको पहले अपने रखते हैं 1 मिनट के लिए, फिर अपने यानी कॉइन लेते हैं दूसरी फिल्म पे रखते हैं 2 मिनट के लिए, फिर 3 मिनट के लिए, फिर 4 मिनट के लिए, फिर 5 मिनट के लिए, ऐसे लाइट्स के नीचे रखेंगे कॉइन्स को फिल्म पे, और उनको एक्सपोज करेंगे जो अपनी सेफ लाइट है उसकी लाइट से, ताकि अपने को पता लग जाता है कि जो अपनी सेफ लाइट है वो कितना ज़्यादा इफेक्ट अनएक्सपोज फिल्म पे कर रही है। नेक्स्ट है
एंड ऑफ द प्रोसेस फाइंड द टाइम इन विच आउटलाइन ऑफ द कॉइन इज जस्ट विजिबल दिस इज द मैक्सिमम टाइम दैट ए फिल्म कैन बी लेफ्ट अंडर द सेफ लाइट। ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जिस टाइम की इमेजिंग में अपने को क्या है कॉइन विजिबल होने लग जाता है उसमें अपने को पता लग जाता है कि ये क्या मैक्सिमम टाइम है फिल्म को बाहर रखने का। अगर इससे ज़्यादा टाइम में अपने फिल्म सेफ लाइट में रखते हैं तो फिल्म क्या है एक्सपोज हो जाती है। इसके लिए अपने क्या है मैक्सिमम टाइम पता लग गया कि इससे ज़्यादा टाइम में अपने फिल्म को बाहर नहीं रखनी है। देखो सेफ लाइट क्या होती थी, सेफ लाइट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या है अपने सारा वर्क आसानी से हो जाता है, कोई भी डैमेजिंग नहीं होती है, और जो ऐसी लाइट जो फिल्म को एक्सपोज ना करे फिल्म को भी सेफ रखे उसे अपने कहते हैं सेफ लाइट। ये ग्रीन येलो रेड आदि कलर्स में यूज होती है, बहुत ज़्यादा कम वोल्टेज में यूज होती है। अगर अपने क्या डायरेक्ट लाइट यूज कर रहे हैं तो डायरेक्ट लाइट करते हैं 25 वोल्ट से कम बल्ब की और जिसके डिस्टेंस रखते हैं 1.2 मीटर से ज़्यादा। और अगर अपने इनडायरेक्ट लाइट यूज कर रहे हैं तो 60 वोल्ट तक की लाइट यूज में ले सकते हैं। इनडायरेक्ट लाइट अपनी वो हो जाएगी जिसका फेस क्या है सीलिंग की तरफ हो, जिससे क्या है लाइट पहले सीलिंग से टकराएगी और फिर रिफ्लेक्ट होके नीचे की तरफ आती है। वो हो गया अपना इनडायरेक्ट लाइट। अब अपने क्या है लाइट का मैक्सिमम पता कैसे लगाते हैं कि अपने को कितने टाइम में फिल्म को एक्सपोज करेगी, तो उसके लिए अपने क्या एक प्रोसेस करते हैं। एक फिल्म लेते हैं उस पर अपने एक कॉइन रखते हैं और कॉइन को क्या है 1 मिनट तक उस फिल्म को सेफ लाइट में रखते हैं। फिर अपने दूसरी फिल्म लेंगे उसको भी थोड़ी देर तक सेफ लाइट में रखेंगे 2 मिनट तक ऊपर कॉइन रखने के बाद। फिर यही प्रोसेस को अपने क्या 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट तक करते हैं। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो इन फिल्म्स को क्या है डेवलप कर लेते हैं वॉश कर लेते हैं। फिर अपने को जिस फिल्म में अपने को क्या है कॉइन्स दिखाई देने लग जाता है तो अपने को पता लग जाता है कि यहाँ पे फिल्म क्या एक्सपोज होनी स्टार्ट हो गई है, तो वहाँ पे क्या अपना मैक्सिमम टाइम आ जाता है जिससे अपने को पता लग जाता है कि इस टाइम के बाद में क्या फिल्म सेफ लाइट में भी एक्सपोज होना स्टार्ट हो जाएगी। इससे ज़्यादा टाइम में अपने को फिल्म सेफ लाइट में नहीं रखनी है। तो आज अपना क्या है डार्क रूम का वॉल्स सीलिंग फ्लोर और सेफ लाइट हो गया। डार्क रूम का इंट्रोडक्शन अपन ने कल की क्लास में पढ़ा था और आगे अपने क्या है पास बॉक्स हो गया, एसी हो गई, ड्राई साइड वेट साइड, डार्क रूम की मेंटेनेंस, वो अपने क्या आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ये क्लास अपने यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।